ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, एंगुलर वेलोसिटी ये सब पढ़ लिया था, रिलेशन भी पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ ली थी हमने, क्या आसान थी। आज हमने पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हमने को एक्सेलरेशन आता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसमें कोई शक की बात। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन लिखते थे एवरेज वाली, कौन सी वाली बेटा, तो हम क्या लिखते थे? क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखते थे? डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस, कोई शक की बात नहीं है क्या, डेल्टा वी बाय, ये लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना। अब अगर मैं अल्फा एवरेज लिखूं, क्या लिखूं? देखो पता है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर किससे, तो अल्फा से लिखूं तो क्या लिखूंगा? क्या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस, कोई शक की बात, यानी ये किसके बराबर जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कोई शक की बात, सिंपल। अच्छा तेरे को पता है अगर डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो हो जाए, डेल्टा टी टेंडिंग्स टू, तो क्या बोल सकते हैं? डी वी बाय, और इसी को हम बोलते थे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, कोई शक की बात। तो अगर डेल्टा टी यहाँ पे किसके बराबर हो जाए, टेंडिंग्स टू जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय, और इसी को क्या बोलेंगे हम? अल्फा इंस्टेंटेनियस, कोई शक की बात। अरे सेम कहानी है, जो पहले पढ़ी है वही चलती रहेगी। क्लियर है बात? अच्छा बात आती है अल्फा की डायरेक्शन क्या है। अगर तेरे को ध्यान से देख, अगर हमने ओमेगा में पढ़ा, देख ओमेगा की वैल्यू क्या थी, एवरेज की वैल्यू क्या, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस। तो ओमेगा की बेसिकली डायरेक्शन क्या थी? जहां पे थीटा चेंज हो रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है। वैसे एक्सेलरेशन में कौन सी डायरेक्शन थी? जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो अल्फा में कौन सी चेंज होगी? जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्या फील आया तेरे को? यानी जो भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, चाहे वो यहां घूम रहा है यहां घूम रहा है, तो ये उसी की डायरेक्शन हो जाएगी, कोई शक की बात। ये लिखा रहा नहीं ऊपर, तूने लिखना है वहां पे, जब तू देखेगा ना इसको तो लिखना है ये चीजें कि द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, कोई शक की बात नहीं। ध्यान से देख, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। तो ये रेडियन पर सेकंड, पर सेकंड तो क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई शक की बात, अल्फा की वैल्यू। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, क्योंकि रेडियन के कोई भी यूनिट तो कोई भी डायमेंशन है, पर सेकंड के तो होते हैं, सेकंड के तो होते हैं। हाँ पर रेडियन का आपको पता है, ये रेडियन भी SI ने दी है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्या क्लियर है? पक्का? कोई शक की बात? समझ आया? बिल्कुल समझ। अभी अभी क्लियर है बात? कुछ पूछना है? अच्छा अब अल्फा को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, ये बता दूं। रिलेशन भी पढ़ाऊंगा तेरे को मैं, पर पहले सुन ले अल्फा कैसे। देख सुन मेरी बात, तेरे को एक्सेलेरेशन से रिलेट कराऊंगा ना, तेरे को फील आएगा। जैसे एक्सेलेरेशन को क्या बोलते थे? डी वी बाय डी टी। अरे हाँ ना बोल। और बोलते थे डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर। और क्या बोलते थे? क्या वी डी वी बाय डी एक्स, डी टी नहीं आता था, डी एक्स आता था ना। वैसे ही अगर मैं अल्फा को लिखना चाहूँ, किसको लिखना चाहूँ, तो क्या डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तुझे आया ना यार। और यहाँ पे क्या लिख सकती है? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अरे कुछ नहीं है, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर, किसको, वी को ओमेगा से रिप्लेस कर, ए को किससे रिप्लेस कर, अल्फा से। इसमें कोई शक की बात? देख ले एज इट इज। आया नहीं आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले हमारा अल्फ ओमेगा ऐसी है, ऐसे घूम रहे ओमेगा क्लॉकवाइज, कैसा क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई पार्टिकल है वो ऐसे, उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे घूम रहा है, इसमें कोई शक की बात। मान ले अल्फा भी सेम डायरेक्शन में है, किसमें बेटा, उच्चो, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? तेरे को पता है अगर वेलोसिटी इस तरफ हो और एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो, तो स्पीड क्या होती थी बेटा, इंक्रीज करती थी। और अगर वेलोसिटी इस तरफ हो, एक्सेलरेशन पीछे हो, तो स्पीड क्या करती थी, कोई शक की बात। देख ले वही बातें सुना रहा हूं मैं तेरे को, यहां पे स्पीड क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। मान ले तू घूम रहा तो ऐसे ही है कोई पार्टिकल पर, अल्फा उसको उल्टा लग जाए, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। इसमें कोई शक की बात? सिंपल बातें हैं सारी, सारी वही कहानी है, बस जहां चेंज होगा मैं बता दूंगा। क्या फील आया? और सुन मुझे एक बात बता, मान ले कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी चल रहा है, उसको वी वेलोसिटी चलने के लिए क्या एक्सेलरेशन की जरूरत है? नहीं है कोई जरूरत। अरे वो कॉन्स्टेंट चल रहा है,
वो कॉन्स्टेंट चल रहा है, उसको एक्सेलरेशन से कोई लेने देना, मान लो कोई 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जा रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से, तो एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो, क्योंकि वी कैसा है? कॉन्स्टेंट। यानी लीनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन हो वैसे जरूरी। सुनना, ये लिखनी है तूने, बाद में लिखा रहा नहीं हूं। वैसे ही बेटा, जब कोई चीज घूम रही है, जब कोई चीज, तो क्या अल्फा का होना जरूरी है? नहीं बेटा, कोई जरूरी, अल्फा तो चीजों की स्पीड इंक्रीज या क्या कराएगा? मान लीजिए कॉन्स्टेंट से घूम रहे, तो अल्फा तो जीरो आ गया ना यार, तो बिना अल्फा के भी ये चल, इसमें कोई शक की बात? फील आया? यानी सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा हो नहीं हो कोई फर्क? सिंपल। वैसे लीनियर मोशन के लिए ए हो कोई फर्क? फील आया या नहीं? पता चला? पक्का? गारंटी? एक नंबर में पूछा जा सकता है, लिखना है ये, मैंने चेक करनी है तेरी कॉपी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है कि लीनियर मोशन के लिए ए हो नहीं हो कोई फर्क, वैसे ही सर्कुलर मोशन में अल्फा हो या नहीं हो कोई फर्क? सिंपल, क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा, और देखो, अब होता क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं सुन ले, मैं यहीं से बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा, ये समझ आया तेरे को? देख, जो कहानी पहले पढ़ी है ना, एग्जैक्टली वही आएगी, देख तेरे को यहीं से समझाता हूँ। एक एक नंबर पे क्या पूछा जाता है सुन, क्या मैं ऐसे लिखता था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो s बाई टी का ग्राफ क्या देता था? वेलोसिटी देता था, नहीं देता था? ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ देता था? देता था ना यार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या, डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ, तो इससे क्या पता चला, अगर ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप क्या मिलेगी बेटा? अल्फा। क्या फील आया तेरे को? हाँ ना, बोल, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, अगर वी ओ टी, सुनना ध्यान से, वी ओ टी का ग्राफ बनाते थे तो एरिया अंडर ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट मिलता था, अगर ओमेगा और टी का ग्राफ बनाते थे तो एरिया अंडर का थीटा मिलता था, तो अगर अल्फा और टी का बनाएंगे, किसका बेटा, अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा बेटा हमको, क्या देगा? नहीं पता चल रहा है बेटा, मेरे से मार नहीं खाना। एरिया अंडर की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका इसका कर रहा हूँ मैं, तो इसका इसका बनाएंगे तो क्या देगा? हाँ, ओमेगा। अबे गधे, में डिफरेंशिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। ये देख, क्या इसको ऐसे डी एस को ऐसे लिख सकते थे? यार ये पुरानी बातें हैं सारी, वी डी टी इज इक्वल टू डी एस, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो इसको क्या लिखते थे, वी डॉट। अब ये थोड़ी कहानी सुनाऊंगा, अब बता ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डॉट, कोई शक की बात? तो इसको क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देख, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डॉट डी थीटा। क्या वहां से आया अल्फा डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन? क्या फील आया? ये देख ले, अल्फा वर्सेस टी का क्या मिलेगा हमको, एरिया अंडर ग्राफ क्या मिलेगा? ओमेगा। क्या मिलेगा? छोटी छोटी बातें आनी चाहिए तेरे को। क्या क्लियर हुई बात? अरे एग्जैक्ट पूरा, अगर जिसको पिछला आता है ना, वो बोल रहे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, क्यों दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, जिसको नहीं आता वो तो यही बोले। क्या क्लियर है बात? पक्का? जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पढ़ा रखा है यार इसमें, अब क्या इसमें देरी लगाऊं मैं। क्लियर? अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। और देख, क्वेश्चन देखेगा, एक ही कराऊंगा पर ऐसा, क्योंकि ऐसे बथेरे किए हुए। मान लो उसने वैल्यू दे दी तेरे को, ओमेगा की वैल्यू दे दी, ओमेगा की वैल्यू दे दी 6t-2t2। क्या वैल्यू दे दी? ठीक है, उससे बोला फाइंड थीटा, फाइंड थीटा व्हेन अल्फा इज जीरो। क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसने बोला थीटा तो फाइंड करो करो, पर जब अल्फा क्या हो बेटा, इसका मतलब पहले अल्फा जीरो करना पड़ेगा, तो अल्फा ओमेगा से क्या आएगा डिफरेंशिएट करके, तेरे को पता अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डी ओमेगा बाय डी टी, तो इसको क्या किया डिफरेंशिएट, 60 की डिफरेंशिएशन कितनी आई, 6, वेरी गुड, और माइनस का 40, इसको किसके बराबर करो, जीरो, तो ध्यान से देख टी की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 6 इज इक्वल टू 40, तो 3/2 कितनी आ गई, तो टाइम की वैल्यू आ गई 1.5 सेकंड, कितनी आ गई बेटा, तुझे फील आया? तो देख 6/4 ना, तो 2 2 3/2, 3/2 तो 1.5, अब टाइम की वैल्यू आ गई, अब ये टाइम की वैल्यू क्या यहां पुट करेंगे, थीटा निकालना पड़ेगा किसमें, ओमेगा में, गधेड़ा है क्या, थीटा निकालेंगे पहले, अबे फाइंड क्या करना है, तो थीटा पे पुट करेंगे ना इसको, तो थीटा कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी क्या करेंगे, तो वही तो बोल रहा हूँ, अभी क्या करेंगे, वेरी गुड, तो इंटीग्रेट कर, तो
को पता है ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी, डी टी यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 60 माइनस 2 टी स्क्वायर डॉट डी टी, कोई शक की बात। इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी ध्यान से देख, तो यहाँ बचा थीटा, क्या बचा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 टी क्यूब बाय 3। अरे हाँ ना बोल, और तेरे को पता है वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें टाइम की, 1.5, और घर पे जाके करते रहना, फील आ गया ये नहीं पता चला, क्वेश्चन समझ आया। डायरेक्ट थीटा कैसे निकालेगा, पहले अल्फा से टाइम निकालेगा, अल्फा से फिर उसमें पुट करेगा, क्या क्लियर होगी बात या नहीं समझ आया। अब ऐसा क्वेश्चन कराऊं क्या, ये तो मैंने बहुत अच्छी वैरायटी करा दी है तेरे को, सिंपल पूछेंगे ओमेगा दे देंगे बोलेंगे अल्फा निकाल, तो क्या निकाल सकता है, ओमेगा दे देंगे बोलेंगे थीटा निकाल, क्या निकाल सकता है, ये तो और अच्छा दे दिया मैंने, मैंने तो ये पूछा जब अल्फा जीरो है तो थीटा निकाल, तो तेरे को तो और अच्छा समझ आ गया, क्या क्लियर है बात, अब तो नहीं कराऊंगा ऐसे। अब जो बात थोड़ी मैच करती है वो मैं तेरे को सामने बता रहा हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन, बेटा कितनी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, 3 पढ़ी थी, पर इसमें कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, क्या थी बेटा एक्सेलरेशन, इसमें कोई शक की बात, इसमें क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें क्या होगा बेटा कांस्टेंट होगी, फिर आया या नहीं पता चला। अगर तू ध्यान से देख तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, वेरी गुड, तीसरी बोल, वेरी गुड, इसमें कोई शक की बात। अगर तू ये क्वेश्चन यहां से लिखेगा तो v की जगह क्या लिख सकता है, ओमेगा, पर फाइनल या इनिशियल, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, तो ओमेगा की जगह फाइनल या इनिशियल, तो वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम, फील आया ये नहीं पता चला। एस की जगह क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस क्या हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी क्वेश्चन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, क्या फील आया या नहीं पता चला। अब क्वेश्चन में एक भी नहीं कराऊंगा इसका, क्वेश्चन में एक भी, अगर मान लो बोला अल्फा कॉन्स्टेंट, अल्फा अल्फा उसने बोला अल्फा कॉन्स्टेंट है, कोई चीज घूम रही है, अल्फा कॉन्स्टेंट है, कोई चीज घूम रही है, और जो चीज घूम रही है, हाँ ठीक है, अल्फा कॉन्स्टेंट जो चीज घूम रही है वो कितने टाइम के लिए घूम रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी डाल सकता है, टाइम डाल सकता है, अल्फा डाल सकता है, तो बता देगा फाइनल वेलोसिटी। माने फाइनल, उसने पूछा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बता 4 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, जबकि उसका अल्फा दिया होगा तेरे को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, और इनिशियल भी दिया होगा, और मान लो उसने बोला जस्ट स्टार्ट कर रही है, मतलब अभी चली ही है घूमना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लेंगे, तो यहाँ से देख थीटा पूछा होगा तो ये जीरो मान लेंगे, तो क्या अल्फा टी स्क्वायर बचेगा, अब ये सब मैं नहीं करा रहा, ठीक है, जैसा पहला किया है वो वैसे ही उसमें सेम चलेगा, इसमें कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसा ये देख सेम था ना, कुछ मुश्किल है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा रिलेशन, क्या आता है बेटा रिलेशन, अच्छा रिलेशन क्या चीज, क्या हमको रिलेशन, हमने एक अभी रिलेशन पढ़ ली है, कौन सा रिलेशन पढ़ा, वेरी गुड, v इज इक्वल टू r ओमेगा, पर हमको पता चल गया कि ये इसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन, ये v कौन सा है बेटा, कौन सा अलोंग द लाइन के परपेंडिकुलर, जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, और r क्या फिक्स्ड फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये तो जानता है ना, वेरी गुड, आज हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एक्सेलरेशन, सिंपल, क्या क्लियर, अगर ध्यान से बताओ ना क्या है, देख अल्फा किसके बराबर है, क्या डी ओमेगा बाय डी टी, अरे हाँ ना बोल, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्या वी बाय आर, क्या वैल्यू, तो ध्यान से देख क्या बोल सकते हैं, वी बाय आर बाय डी टी, तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख 1/r कॉमन, y कॉन्स्टेंट है कॉमन, पीछे का बचा डी वी बाय, अब डी वी बाय डी टी क्या एक्सेलरेशन होती है, अरे हाँ ना तो बोल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बाय आर, क्या फील आया, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू, वैसे ही a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू, मुझे फील आया, याद भी कर सकता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या फील आया, बट हम यहाँ पे टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा टी, क्या लगाते हैं यहाँ पे ए के साथ, क्या लगाते हैं बेटा टी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, सिखाएंगे टेंशन मत ले, पर इस पूरे रिलेशन में एक्सेलरेशन कौन सी रखते हैं टेंजेंशियल, बेटा 3-4 एक्सेलरेशन आने वाली है आपको, 3 एक्सेलरेशन, तो उसमें से कौन सी है टेंजेंशियल, कौन सी है, क्लियर है बात, समझ आया,
ये नहीं समझ आया, ये रिलेशन याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू दैट्स इट। पर कौन सा है ए, कौन सा टेंजेंशियल, कौन सा, जैसे एग्जांपल तक समझाता हूँ, काम क्या करने वाला सुनना। मान ले चक्कर है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मान ले ये आर है, क्या है ये भी आर। मान ले किसी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी की पूछूं, तो वेलोसिटी का टेंजेंट मारते हैं, तो मान ले या इस पॉइंट पे पूछूं या इस पॉइंट पे पूछूं, तेरे को फील आएगा क्या वेलोसिटी इस साइड होगी। अरे हाँ ना, तो बोलना यार। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है सुनना, या तो एटी की डायरेक्शन इसके साथ होगी या तो एटी की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। कैसी होगी बेटा, जैसे मान ले वी इधर है तो एटी कहाँ होगा, नीचे, क्या फील आया क्यों। अब सुन, एटी अगर वी के साथ है तो स्पीड को बिल्कुल, ये तो जानते हो, इसके अपोजिट तो स्पीड को, कोई शक की बात। अगर इसमें एंगल देख तो 180 डिग्री है, कितना और इसमें कितना, अब दोनों साथ में ही है तो 0 डिग्री नहीं है, हैं? ये दोनों अपोजिट है तो 180 डिग्री नहीं है, तो क्या याद रखेगा, क्या 80 की जरूरत है सर्कुलर मोशन के लिए, ना 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 ना, 80 की जरूरत, 80 की जरूरत जैसे अल्फा की जरूरत नहीं है, वैसे ही 80 की भी जरूरत सर्कुलर मोशन की, इसकी जरूरत, क्या फील आया। ये तो बस मैग्नीट्यूड के साथ खेलता है, किसके साथ, सुन मेरी बात, मान ले वेलोसिटी 20 थी, ये लीनियर वेलोसिटी की बात, अगर एक्सेलरेशन आ जाएगी साथ में तो बढ़ जाएगी, अगर ये हो जाए तो घट जाएगी, तो खेल रही किसके साथ है, ये मैग्नीट्यूड के साथ, किसके साथ खेलती है, हाँ उसको बड़ा घटा सकती है भाई, क्या फील आया। ये सर्कल में घुमा नहीं सकती है, सर्कल में घुमा उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, सर्कुलर मोशन इसके बिना भी चलता है, मान ले कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है 20 से ही हो रहा है ना सर्कुलर मोशन, क्या दिक्कत है, क्या फील आया, ये नहीं पता चला। अरे हाँ ना, तो बोल, क्या रिलेशन याद रखेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू, पर ए कौन सा, टेंजेंशियल वाला। अब इसी की थोड़ी बात बताता हूँ तेरे को, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस में से बताऊं, देख ये बिल्कुल बेस है, ये आगे बहुत काम आएगा जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे, आज तो मैं तेरा बेस बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है, सब आना चाहिए। अब टाइप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप्स की, देख टाइप्स ना मैं तेरे को डिराइव कराता हूँ, तेरे को फिर अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ पर डिराइव कराता हूँ, तेरे को फील आएगा, थोड़ा सुन ध्यान से। मान लीजिए चक्कर है, ये क्या है बेटा, चक्कर गोला सर्कुलर मोशन, अच्छा बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब ठीक। मान लीजिए आ रहा है, ये क्या बेटा, इसमें कोई शक की बात, मान ली यहां से थीटा एंगल पे मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक, अब इस जगह वेलोसिटी करनी होगी तो क्या टेंजेंट मारना पड़ेगा, तो इस साइड वेलोसिटी इस साइड होगी, इसमें कोई शक की बात, इसको मैंने बोला भी, क्या बोला, अब क्या करेंगे हम, इसकी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, क्या डायरेक्शन, दो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, समझाता हूं क्यों, दो डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए वेक्टर नहीं आएगा, कैप आएगा, क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और कैप आता है, वेरी गुड। एक डायरेक्शन सुनना, कौन से, येलो से करते हैं, याद रखना, एक डायरेक्शन आएगा इसके साथ ही, देखिए इधर ही, इसी के साथ, जिसको मैंने बोला ई टी कैप, क्या बोला, ठीक है मुझे नहीं पता कोई, और इस एक आया इसके परपेंडिकुलर, एक आया इसके, और जिसको मैंने बोला, जिसको मैंने बोला इस साइड डायरेक्ट, इसको मैंने बोला ई आर कैप, क्या बोला, ई आर कैप, क्या बोला बेटा, इसको घबराने की कोई बात, घबराने की कोई बात, कफीला है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे समझ आएगा डेरिवेशन की। अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, अगर मैं इसको सिर्फ ई टी और इसको, इसको ध्यान से देखना, ये क्या, ये यहां है और ये यहां है, अगर ध्यान से देख, टक 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 टक, ऐसे, ये क्या बेटा ई आर कैप और ये क्या बेटा ई टी कैप, इसमें कोई शक की बात, अगर ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल, तो क्या ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी, तो ये 90, तो जा रहे ना यार, ये थीटा, तो ये थीटा, गए तो नहीं बोला ना यार, अगर कंपोनेंट मार तो ई आर का एक कंपोनेंट यहां, कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा ई आर कैप कॉस थीटा, और यहां पे ई आर कैप साइन थीटा, फील आया, इसके कंपोनेंट भी मार, यहां पे कंपोनेंट आएगा ई टी कैप साइन थीटा, और यहां पे कौन सा कंपोनेंट आया, ई टी कैप कॉस थीटा, तुझे आया नहीं आया, अच्छा
बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात। मैं ये साइड पे लिख देता हूँ, साइड पे लिख देता हूँ, जो ई टी कैप है, कैप एट ऑफ, उसकी वैल्यू क्या है? देख इसके दो कंपोनेंट लिख, ई टी कैप है ना ये, इसके दो कंपोनेंट कितने आएंगे, एक क्या जे में है और एक क्या माइनस एक्स में है, तो क्या लिखेंगे बोल, ई टी कैप कॉस थीटा क्या जे कैप माइनस ई टी कैप साइन थीटा आई कैप। फील आया माइनस क्यों आया, क्योंकि आई पीछे तरफ है और जे आया नहीं आया। अब देख यार यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, कितना होता है, वेरी गुड, तो ये वैल्यू भी वन और ये वैल्यू भी, तो ई टी कैप की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, क्या कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, वेरी गुड यार। देख तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओ ना तो मजा आता है पढ़ाने का, तेरे को फील आएगा क्यों कर रहा हूँ इसका बिना भी तेरे को समझ आएगा, पर तेरे को फील आएगा। क्या कर, क्लियर हुई बात? अच्छा सर बहुत खूब। वैसे ही क्या ई आर कैप निकाल सकता हूँ, तो ध्यान से देख, ई आर कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई आर कैप एक प्लस एक्स और एक प्लस जे, इसमें मतलब दोनों जे प्लस में है, दोनों किसमें है, तो क्या लिखूंगा देख, क्या ई आर कैप कॉस थीटा, किसमें कॉस थीटा आई कैप प्लस ई आर कैप साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, पर तुझे पता है इसकी और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ई आर कैप की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, वेरी गुड, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ ना बोल। अच्छा अगर हमको वेलोसिटी का वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, तो वेलोसिटी का वेक्टर कैसे लिखा जाता है, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऐसे तो लिखा जाता है ना यार, लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। अच्छा सर बहुत खूब। अगर ध्यान से देख, v तो हमको पता है, और डायरेक्शन मान ले ET कैप, क्या मान ले ET कैप, अरे हाँ ना बोल, डायरेक्शन तो हमने ऐसे ही लिया ना, उसके साथ साथ डायरेक्शन होती ET ले ली हमने। अब ध्यान से इसको डिफरेंशिएट मार दे, क्या मार दे, तो क्या लिखूंगा, क्या dv वेक्टर बटे dt इज इक्वल टू, बेटा यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, पहले का करो दूसरे को कांस्टेंट प्लस दूसरे का करो, तो क्या लिखेंगे ध्यान से, इसका करवा ले, क्या dv / dt और साथ में क्या हो जाएगा et कैप प्लस, फिर क्या करेंगे, v इनटू क्या dET कैप बटे क्या dt, तुझे आया ही नहीं। अगर तू ध्यान से देख, dv / dt, dv / डायरेक्शन वाला, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगी, नेट एक्सेलरेशन, क्या आ गई बेटा, अच्छा dv / dt et कैप, अच्छा dv / dt साथ में कौन सा, अच्छा dv / dt कौन सा, et कैप, कौन सा कहा, अच्छा dv / dt क्या एक्सेलरेशन, अच्छा पर एक्सेलरेशन कौन सी, क्या ये वाली, अरे et कैप तो इस साइड है ना यार, तो क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या आएगी ये, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रख, dv / dt et कैप, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब ध्यान से देख, तेरे को क्या et कैप की वैल्यू पता है, वहां पे पुट करेंगे यहां पे प्लस v साथ में d / dt et कैप, क्या पुट कर, et कैप क्या वैल्यू, कॉस थीटा आई कैप जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ध्यान से देख, तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा और इसका भी, तो ध्यान से देख, ए नेट इज इक्वल टू क्या डीवी बाई डी टी ई टी कैप प्लस वी डीवी बाई डी टी, अच्छा डीवी बाई डी टी छोड़ अब डिफरेंशिएट कर, क्या कर, कॉस थीटा की क्या होती है साइन थीटा, पर माइनस में किसमें, तो माइनस साइन थीटा जे कैप और माइनस साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा आई, कोई शक की बात, फील कर, जब यहाँ पे कॉस थीटा की बटा आई साइन थीटा क्या आई, साथ में डी थीटा बाई डी टी भी तो आएगी है ना, डी थीटा बाई डी टी भी आएगी, इधर भी डी थीटा बाई क्या दोनों की आएगी, तो डी थीटा बाई डी टी कॉमन निकाल दो, पर फील कर, डी थीटा बाई डी टी क्या ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा भी कॉमन आ गया, तो क्या यहाँ पे ओमेगा लिख दूं, और साथ में कहीं ये माइनस और ये माइनस हटा, तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ क्या आ गया माइनस, अगर तू ध्यान से देख, ये क्या ए नेट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी ई टी कैप माइनस, बेटा वी की वैल्यू क्या होती है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा रख तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर आर और साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा आई कैप, क्या ई आर कैप के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा ई आर कैप, क्या आ जाएगा, ये आ गई बेटा नेट एक्सेलरेशन, क्या आ गई, अच्छा ध्यान सुनना क्या आया, ध्यान सुनना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारे पास ए नेट आया वो किसके बराबर आ गया, दो वैल्यूज के बराबर आया, एक आया dv / dt et कैप और साथ में लगा माइनस, क्या लगा, यहाँ आया ओमेगा स्क्वायर आर और साथ में आया er कैप, यही वैल्यू है। अब सुनो ध्यान,
इनट डीवी बाई डी टी ई टी कैप, ये वाली एक्सेलरेशन फील आया, फील आया, फील आया, और साथ में ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। ई आर कैप माइनस का क्या मतलब है? जो हमने माना वो नहीं, उसका अपोजिट, उसकी मतलब एक एक्सेलरेशन आई इसके अपोजिट, एक एक्सेलरेशन आई इसके, जहां हमने मानी उसके। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देख, टेंजेंशियल आई है, फील आया, और एक क्या, एक क्या अंदर को आई है, और इसी को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप को, इसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? फील आया या नहीं आया बेटा? अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं होना, सर्कुलर मोशन हो, यही घुमाता है, फील किया, देख हमने क्या इसको बाहर को मानना था, फिर भी क्या अंदर को आया, यही घुमा रही है सर्कुलर मोशन। आगे तेरे को पता चलेगा कहां से आती है, सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, क्या होती है, वहां से आती है, क्योंकि फोर्स से ही तो एक्सेलरेशन आई है यार, पढ़नी है हमने। बट इसका कहने का मतलब क्या सुन, अगर इस पॉइंट पे देख के अभी इस साइड होगा, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अब भी अंदर की तरफ होगी, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे एसी। क्या बोलेंगे? यानी इसको तो बोलता है एसी, और इसको क्या बोलता है? एटी। फील आया, मान ले यहां पे तेरी वेलोसिटी देखूं, तो यहां की वेलोसिटी यहां होगी, बट एसी अब भी कहां लग रही है, मान ले यहां पे देख, क्या क्या यहां पे लग रही है अभी, पर अभी भी एसी कहां है? फील आया या नहीं पता चला? मैं डायरेक्ट समझा सकता था टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, पर तुझे फील, खुद फील किया तूने। नेट एक्सेलरेशन में दो पार्ट है, कितने पार्ट आए? एक आया एसी और एक आया एटी। क्या आया? एटी। क्या फील आया? ये नहीं पता चला। अगर तू ध्यान से देख तो ये बना हमारा एटी, क्या बना, और ये वाला क्या बना? एसी। तो नेट एक्सेलरेशन क्या यहां पे होगा? पैलोग्राम ना लगा के, अरे हाँ बोल, यहाँ से थीटा एंगल पे, तुझे आया ही नहीं। क्या फील आया? जब कुछ नहीं पता चला, सीधे बोल, क्या सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है? हाँ 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 भाई जरूरी, अगर ये नहीं होगी तो उसको सर्कल पे कौन चलाएगा? फील करना, अगर ये यहां लग जाती तो अंदर फिर थोड़ी घूमता है पार्टिकल। आया ना, आया ना, वेरी गुड, आया ही नहीं तेरे को, पक्का। एक क्वेश्चन दूंगा, अगर तेरे को आ गया ना समझ, तू जीत गया। पर क्या ये समझ आया? कुछ मुश्किल, अच्छे से लिखाऊंगा, बट तेरे को फील आ गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या नहीं हो, हमको कोई फर्क, वो फर्क पड़ता है मैग्नीट्यूड पे, किस पे, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा v की वेलोसिटी। बट अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं हुई तो सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल ही, सर पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही। आया ना तेरे को? क्योंकि देखना यार, जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मान ले मैग्नीट्यूड बीस का ही है मैग्नीट्यूड, पर लगातार क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल। और वैल्यू देख के आया यहां से, ओमेगा स्क्वायर आर, क्या वैल्यू है बेटा? फील आया, और ओमेगा को क्या बोल सकते हैं? वी बाय आर। तो एक और वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर बाय आर। आया? अगर तू ध्यान से देख तो हमारी एसी की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू रख वी स्क्वायर बाय आर, तो क्या वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर, तो ये वैल्यू कटी आ गई वी स्क्वायर बाय एसी की वैल्यू। विदाउट एसी देयर इज नो सर्कुलर मोशन, विदाउट एसी देयर इज नो, क्लियर होगी बात? अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ तेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन। मान ले तीन तीन सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, ठीक है, रेडियस आर, रेडियस सबका, वेलोसिटी यहाँ पे देखी वी, रेडियस इसका भी आर, वेलोसिटी यहाँ पे देखी वी, और रेडियस यहाँ पे, वेलोसिटी इसकी भी देखी। मैंने बोला ये वी कॉन्स्टेंट है, ये वी बढ़ रही है और ये वी घट रही है, फाइंड एंगल बिटवीन। आपने ये बताना है, आपने ये बताना है, वन टू थ्री, राइट एंगल किस में बन रहा है, क्या बन रहा है, और एक बन रहा है एक्यूट एंगल, क्या बन रहा है, और एक बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बन रहा है, आपने ये देखना किस पे किस में बन रहा है, क्लियर? सुनना ध्यान से, कॉमन सेंस लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, सबसे देख सबसे बड़ी बात है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एसी लग रही है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन, और वो हमेशा कहाँ लगती है, अंदर की तरफ हमेशा कहाँ लगती है, तो अगर यहाँ पे देखूँ तो एसी तो हमेशा यही लग रही होगी, ये भी यही लग रही, देख ये भी ऊपर जा रहा तो एसी इसको यही लग रही, तो एसी इसको भी, इसमें कोई शक की बात, ठीक है ना तू? अगर तू ध्यान से देख, उसने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट, तो 80 अगर 80 तो इनके बीच एंगल कितना आया, तुझे आया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब 80 ऊपर होगा, तुझे आया, अगर 80 ऊपर होगा तो ए नेट क्या यहाँ पे होगा, तो फील कर ए नेट और इसके बीच में एंगल कितना है, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, तुझे आया? तीसरा देख,
अगर वेलोसिटी घट रही है तो एटी नीचे लग रहा है, एटी नीचे लग रहा है तो ए नेट यहाँ पे है, तो वेलोसिटी और ए नेट के बीच एंगल देख कितना है। फील आया, यही पूछा तेरे को, ए नेट और उसके बीच एंगल फील करना। अब ए जीरो ए एटी है ही नहीं, तो यही तो ये क्या बन गया ए नेट। फील आया या नहीं पता चला, इसका मतलब जो हमारा ए नेट है, जो हमारा ए नेट है वो कहाँ से आता है, एटी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आया, यानी दोनों को मॉड प्लस करके मॉड कर दो, क्योंकि यहाँ देख इधर भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। जब पैलोग्राम लॉ लगाते हैं, अगर एंगल 90 है एंगल, तो यही तो फॉर्मूला आता है, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो यही फॉर्मूला बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज 90, तो 90 इज जीरो, तो पीछे यही तो बचा। क्या क्लियर है बात, या कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो बता, अभी बता दो, पक्का गारंटी 100% 200% क्वेश्चन करेगा, एक करेगा देख। एन कोसम माने सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन रेडियस 5 मीटर, रेडियस जो वेलोसिटी है वो है देरी 10 मीटर पर सेकंड, कितनी, क्वेश्चन देख, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा ए सी ए टी ए नेट, क्या निकाल पाएगा बोलना यार। तो स्टार्ट करते हैं ओमेगा से, किससे, ओमेगा की वैल्यू क्या, वी बाय आर, तो ध्यान से देख वी कितनी 10, आर कितना 5, ये कितना 2 रेडियन पर सेकंड, कितना, क्या मुश्किल लगा, ओमेगा आ गया तो एटी निकालना मुश्किल है। अच्छा अल्फा भी निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा ए सी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या 4, आर की वैल्यू क्या 5, तो 4 5 कितनी आ गई 20, पिलाया या नहीं पता चला। अच्छा एटी निकाल, क्या निकाल, एटी, एटी कैसे निकालेंगे, अभी 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है क्या है बेटा, दिमाग लगाना है, अगर कांस्टेंट है तो एटी कितना हुआ, अगर एटी ही जीरो तो क्या अल्फा भी जीरो, क्योंकि अल्फा की ए की वैल्यू क्या होती है आर अल्फा, अगर ये जीरो तो ये भी हिलाया, यानी ये भी जीरो और ये भी, पर ए सी जीरो, देख ए सी आया ना, अब ए नेट निकाल सकते हैं, ए नेट में क्या अंडर रूट मारेंगे दोनों का, तो क्या 20 का स्क्वायर प्लस क्या 0 का स्क्वायर, तो देख 20 ही आएगी, कितनी आएगी, क्यों, क्योंकि एक तो जीरो है ना, हिलाया, पर अगर ये टाइम के साथ चेंज हो तो कहानी चेंज हो जाएगी, सुन कैसे, मान ले इसी क्वेश्चन को मैं 10 की जगह 10 t लिख दूं, क्या लिख दूं, अब कॉन्स्टेंट नहीं है बेटा, अब टाइम के साथ चेंज हो रही है, हिलाया और पूछ लिया फाइंड ओमेगा, ये सब टाइम फोर 3 सेकंड 2 सेकंड पे, कितने सेकंड पे, अब सुन कहानी कहाँ चेंज होगी, क्या वी बाय आर जब निकालेंगे तो यहाँ 10 t आएगा, अरे हाँ ना बोल, दो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 20/5 आएगा, तो यहाँ पे क्या 4 आएगा, देख 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 देख, रटना नहीं है चीजों को, सीखना है, ए सी निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का 16 आएगा, तो 16 5 जाएगा, तो 16 5 जगह 90 आएगा, 16 5 90 होता है 80, तो क्या 80 आएगा, क्या फील आया। अच्छा अब 80 0 नहीं आएगी बेटा, अब 80 0, 80 कैसे निकालेंगे, क्या डीवी बाई डी टी, क्या करेंगे, तो डीवी बाई डी टी करेंगे तो 10 ही तो आएगा, कितना आएगा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट। फील आया, अगर 80 आ गया तो तेरे को पता है 80 इज इक्वल टू क्या आर अल्फा, तो 80 पता है आर पे क्या अल्फा निकाल सकता है, तो निकालते रहना ना यार। अच्छा ए नट आ गया तो तेरे को पता है कि 80 का स्क्वायर प्लस क्या 10 का स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, तो जितना भी 6400 प्लस 100 आ गया, जितना भी आ गया अंडर रूट 6500, क्या क्लियर होगी बात, तो रटने की कोई जरूरत, तेरे को फील आ गया नहीं आ गया, यानी कहने का मतलब जैसे लीनियर मोशन के लिए ए की जरूरत नहीं होती, वैसे सर्कुलर मोशन के लिए ए टी की जरूरत नहीं होती, ए सी की होती है, किसकी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, सिंपल रिलेशन तेरे को समझ आ गया, जैसे होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, वैसे ही होता है a इज इक्वल टू r अल्फा, क्लियर होगी, पर अल्फा डिपेंड किस पे करता है, 80 पे, किस पे, यानी 80 और अल्फा का रिलेशन है, ac और अल्फा का रिलेशन है, ac की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर बाय r, क्या वैल्यू, या फिर ओमेगा स्क्वायर r, या फिर वो तो उधर से निकलेगा, क्लियर होगी बात, पक्का ग्राफ ग्रुप समझ आ गया, किसका एरिया अंडर कर्व बनेगा, किसका ये बनेगा, किसका वो बनेगा, फील आ गया पक्का। अच्छा जैसे मान ले थीटा में वैल्यू दूं, क्या ले दूं, थीटा में वैल्यू दे दूं ओमेगा के साथ, तब भी निकाल सकते, अगर थीटा दे दूं ओमेगा निकालना, निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करना है,
ओमेगा दूं थीटा निकाल सकता है, इंटीग्रेट करना है। ओमेगा दूं क्या ए निकाल सकता है, डिफरेंशिएट करना है। ए दूं सॉरी अल्फा दूं ओमेगा निकाल सकता है, सब कुछ निकाल सकता है। तो क्लियर होगी बात, पक्का कुछ पूछना है? अच्छा मान ले यहाँ पे प्लस वन दे देता, क्या दे देता? दे देता, पर मान ले यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, क्या आता? तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आती, फिर ये टाइम पे डिपेंड करती। और टाइम कौन सा पुट करते, 2 सेकंड वाला फील आ रहा है ना, रट रहे नहीं चीजों को। मान ले टाइम स्क्वायर 2 आ जाता तो यहाँ पे क्या 20t आता, 10t थोड़ी 20t बेटा, टी स्क्वायर आता ना, तो 20t आता, 20t आता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या 40 आता, पर 40 क्या आता ये मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 20t तो यहाँ आता, 2 से मल्टीप्लाई करते 40 यहाँ पे आता। क्लियर होगी बात? तो फिर ये कॉन्स्टेंट नहीं है, फिर तो टाइम पे डिपेंड कर रही है वो, क्योंकि टाइम 2 दिया था तभी 40 आया, 3 दिया होता तो क्या 60 आता। क्या रटना नहीं चीजों को, जैसे पुराना पढ़ा है सेम चीजें, बस यहाँ पे चीजें थोड़ी गोल गोल घूम रही है। क्या हो रही है फिर? 3 तरीके की एक्सेलरेशन पढ़ ली हमने, एक नेट और एक टेंजेंशियल। क्या टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन करवाती है? टेंजेंशियल काम क्या, मैग्नीट्यूड को चेंज करना, किसका? पर घुमाती कौन है, हमेशा कहाँ लगती है? हमेशा सेंटर, अंदर वाली तरफ नहीं, हमेशा सेंटर, हमेशा कहाँ? जैसे यहाँ पे कहाँ लग रही है, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हमेशा कहाँ लग रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ। क्या क्लियर होगी बात? पक्का गारंटी?